कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें मैंने कोई PhD नहीं कर रखी है। घर को संभालने में धीरे धीरे करके ही चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, तो बस वही एक्सपीरियंस आपसे मैं शेयर कर रही हूँ आज। तो आज मेरा वीडियो होने वाला है कुशंस कवर पर बेसिकली, और थोड़ा सा मैं सोफ़ा कवर के बारे में भी बात करूँगी, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है सोफ़ा कवर अब थोड़े से आने लगे हैं अच्छे टाइप के, लेकिन पहले जो ये इस टाइप के पुराने पुराने टाइप के ही सोफ़ा कवर आते थे, और जो इस टाइप आ रहे हैं प्रिंटेड थोड़ा स्ट्रेचेबल कपड़े में आ भी रहे हैं, तो वो काफ़ी कॉस्टली हैं। आई थिंक वो 2000 से ऊपर में ही आपको मिलते हैं, तो उससे कम बजट में फिर ये वाले सोफे मिलते हैं, कवर मिलते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगी, वो मैं बाद में बात करूँगी। फिलहाल मैं बात करूँगी कुशंस कवर के ऊपर। तो कुशंस कवर मैं जैसे आपसे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि मैंने कुछ कुशन कवर ऑर्डर किए हैं, तो सारे कुशन कवर तो मुझे अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ हो गए हैं, और आई थिंक ये टाइफून वगैरह आया हुआ है, इस चक्कर में डिलीवरी काफ़ी लेट हो रही है, ऊपर से लॉकडाउन है, काफ़ी सारी चीज़ें हॉट पॉच हो गई है, तो उस चक्कर में शायद डिलीवरी और ये सब चीज़ें लेट हो रही हैं। तो फिलहाल जिन चीज़ों की डिलीवरी मुझे हो गई है, तो उनमें से कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं, तो जिनको मैं रखूँगी, और जो मुझे अच्छी नहीं लगी हैं उनको मुझे रिटर्न करना है। और रिटर्न पॉलिसी घर की चीज़ों में सिर्फ 10 days की होती है, तो लेट ना करते हुए किसी और का क्या हार्म हो, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से आपसे जितने भी कुशन कवर आए हैं आज, मैं बस उसी को आपको आपसे साथ शेयर करूँ, और बाकी के जब आएंगे तो मैं किसी और वीडियो में उनको शेयर कर लूँगी आपसे। तो फिलहाल मैं आज आपसे 2 size के कुशन कवर शेयर करूँगी, एक 16x16 के और 12x12 के। यही 2 कुशन कवर मुझे रिसीव ही हुए हैं, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करती हूँ मैं। तो पहला मैं स्टार्ट करती हूँ 12x12 के कुशन कवर। तो जो मुझे नहीं अच्छे आए हैं पहले मैं सोचती हूँ उन्हीं से स्टार्ट करती हूँ, जो मुझे नहीं अच्छे लगे, बाद में जो अच्छे लगे वो भी दिखाऊंगी मैं। तो पिक मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, और ये कुशन कवर मैंने एक सेट मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और बाकी का मैंने अमेजोन से लिया है। तो ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये अमेजोन से लिए हैं मैंने। तो 12x12 का 2 sets थे उसमें, और ये वेलबेट का कपड़े में था। पिक मैं यहाँ अटैच कर दूंगी, आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिएगा, या तो इधर कहीं ना कहीं अटैच कर दूंगी मैं। और ये है वो, थोड़ा सा वेलबेट के कपड़े में है, और ये वेलवेट बहुत हैवी वाला, एक अच्छी क्वालिटी का वेलवेट होता है, और एक जो थोड़ा सा लो होता है, तो ये थोड़ा सा मुझे लो क्वालिटी का वेलवेट लगा, और थोड़ा सा महंगा भी लगा ये मुझे। इसका प्राइस आई थिंक 2 pairs मुझे 300 के आसपास पड़ा है, या तो ऊपर ही या तो नीचे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगी कि एग्जैक्टली इनका प्राइस क्या था। तो ये दोनों भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, और 12x12 के मैंने 2 और मंगाए थे, 2 ये मंगाए थे, 2 ये मंगाए थे, ये ओशन ग्रीन कलर बोलते हैं ना जो, उसी में मैंने मंगाया था ये। तो मुझे लगा दोनों सेम टू सेम आएंगे, जब ये पहले मुझे डिलीवर हुआ तो मुझे लगा इसको भी मुझे कैंसिल कर देना चाहिए, क्या फायदा आए फिर उसके बाद, क्योंकि आजकल तो पैकेट भी आता है घर में, तो 2 से 3 दिन उसको सैनिटाइज होने के लिए रखना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी कैंसिल कर दिया जाए, फिर मैंने सोचा आने देते हैं, क्योंकि कपड़े में थोड़ा सा वेलवेट ये नहीं लिखा हुआ था, और इसमें तो वेलवेट लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने इसको आने दिया। और ये वाला देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है, और इसका कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मोटा टाइप का जो होता है ना, इसको क्या बोलेंगे, कपड़े का क्वालिटी का मुझे नहीं पता है, लेकिन छूने से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही अच्छा कपड़ा है ये, और जिप की पीछे जिप दे रखी है, अंदर से भी जो ऊपर है ना सेम वही चीज अंदर से भी है, और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला इसको तो पक्का रखना। तो लेकिन ये भी आई थिंक 340 में मुझे पड़ा है, 340 में ये 2 pieces पड़ा है, ये 2 pieces का ही पूरा सेट था, तो ये 2 pieces हैं और ये 2 pieces हैं, तो इसमें से इसको मुझे रिटर्न करना है। तो ये हो गया 12x12 के 4 cushion कवर। और 16x16 के पहले जो मैंने मीशो से मंगाए थे वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं, वो ये हैं,
ये 5 का सेट है, इसका पिक मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। और बिलीव नहीं करेंगे, पता है जब मैं मीशो से ऑर्डर कर रही थी 270 के आई थिंक थे, 5 थे, तो मुझे लगा मंगा के देख लेती हूँ क्योंकि मीशो से ज़्यादातर सामान मुझे जो भी आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो ये है, तो एक ये है पेयर, और मेरे फेवरेट कलर है ये, एक पिंक है, हॉट पिंक बोलते हैं, हॉट पिंक वाला पिंक है ये। और ये कपड़ा थोड़ा सा क्या बोलेंगे इसको, कौन सा कपड़ा बोलेंगे, देखिए अभी दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, जैसे मुझे याद आता है तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी कि कौन से कपड़े का है। उसमें जूट टाइप का लिखा था, बट ये जूट नहीं है, दूसरा वाला है, और शाइनिंग में है थोड़ा सा, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगा। प्रिंट भी इसकी फ्लावर में प्रिंट है, तो एक ये हो गया, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस टाइप की तो कोई भी प्रिंट हो इस टाइप का किसी भी चीज़ पे बहुत ही अच्छा लगेगा, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये भी। और पीछे से इसमें जिप भी है, ये जिप का क्वालिटी भी अच्छा है, और पीछे थोड़ा सा सैटिन वाला कपड़ा लगा हुआ है। बस इसमें पता है क्या है, जब आप आपको मिले ये, तो आप एक बार इनकी जो जिप वगैरह जहाँ से अटैच है ना, उसको थोड़ा सा एक बार दोबारा अपने आप सिल लीजिएगा, तो ये थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे इनको एक ही दिन हुआ है बिछाते हुए, और या तो मेरा बच्चा ही थोड़ा सा शैतान जाता है, कुशंस कवर से उसकी लड़ाई होती है, तो मे बी इस वजह से थोड़ा सा ये छूटने लगा है कल से ही, तो मुझे लग रहा है एक बार सिलाई और मारनी पड़ेगी, तो वो तो मैं मार लूंगी, बाकी तो मुझे कपड़े में कोई भी खराबी नहीं लगी। और ये देखिए, लिव सिंपली, बहुत ही प्यारे हैं, चारों के चारों मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये। तो चूंकि मुझे मीशो से थोड़े सस्ते लग रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं अच्छा है कि ना, डिलीवरी भी आजकल बहुत लेट हो रही है, तो मैंने अमेजोन से भी ऑर्डर कर दिए थे। तो अमेजोन से मैंने ऑर्डर ये किए थे, और मुझे रिसीव हुआ है ये, तो पैकेजिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है ये, बस कलर डिफरेंट आया है, बाकी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कलर ही डिफरेंट आया है, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर में है, और चूंकि जूट का कपड़ा है ना, तो ऑरेंज भी खिलके नहीं हो रहा है, खिलके नहीं। मैंने ये ऑर्डर किया था ये वाला, ये देखिए येलोश में थोड़ा, ये मुझे अच्छा लग रहा था साइड पे, तो मैंने यही ऑर्डर किया था, बट मेरे पास ये नहीं आया, कोई ये भेज दिया है, और ये कलर मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी मैंने सोचा है कि मैं इसको भी रिटर्न ही करूँगी। ये भी 2 पेयर थे, और ये आई थिंक 500 के थे 2 पेयर मुझे, यानी 250 का वन, 250 का वन, ऐसे मुझे पड़ा है। तो इसमें ये मैक्रमे वाली जो रस्सी होती है ना, उसी से इसमें डिटेलिंग की गई है, देखिए अच्छा लग रहा है, वैसे तो अच्छा लग रहा है, और ये येल्लो में होता तो शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अफसोस ये वाला कलर आया है, और ये कलर मेरा रखने का कोई मूड नहीं है। और फिलहाल ये बहुत अच्छे आ गए हैं, जब 270 में मुझे 5 पीस मिल रहे हैं, तो मैं 250 का 1 पीस वो भी इस कलर में नहीं रखना प्रेफर करूँगी। और जिप क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छा है, और ये खादी वाला जो कपड़ा होता है ना, उसी में ही है, बस मुझे अभी यही रिसीव हुए हैं। बाकी मैंने ऑर्डर किया है 12x18 का, जो छोटा वाला पिलो का जो भाई होता है ना, उसका भी मैंने ऑर्डर किया है, वो मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है, और बड़ा 24x24 का भी मैंने ऑर्डर किया है, वो भी मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ है, वो रिसीव होते हैं तो फिर मैं उनको भी आपसे शेयर करूँगी। तो फिलहाल के लिए तो इतने ही है मेरे पास। तो ये तो हो गए कुशन कवर, अब हम बात करते हैं सोफे के कवर के बारे में। तो मेरे पास ये वाला सोफ़ा कवर है, जो मैं रेगुलर बिछाती हूँ रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मेरे यहाँ 2 छोटे बच्चे हैं, और जो बड़ा बेटा है वो अभी थोड़ा सा खेलने कूदने वाला है, बहुत ज़्यादा खेलता कूदता है, तो सोफ़े का कवर एक जगह तो कभी नहीं रहता है। तो जो मैंने आपसे शेयर किया था सोफ़े का कवर बनाना, वो थोड़ा सा वाइट कलर में है, तो वो गंदा जल्दी होता है, तो उसको इसलिए मैंने सिर्फ अकेजनली बिछाने के लिए रखा है, बाकी मैं उसको हमेशा नहीं बिछाती हूँ, हमेशा मैं यही वाला बिछाती हूँ। और जब वाइट वाला मतलब प्लेन वाइट हो जाता है, और कुशन कवर आपका मतलब प्लेन कुशन कवर भी हो, और कुशन सोफ़ा कवर भी प्लेन हो,
तो वो दोनों अच्छा नहीं लगता, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते हैं। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, अगर आपके पास कुशन सोफे का कवर नहीं है तो उसका एक जुगाड़ में चलिए आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल ये प्लेन वाला जो सोफा कवर है ये तो मैंने आपसे शेयर ही किया था, और ये अभी जो मैंने आपसे शेयर किया वो इस पे पड़ा हुआ है, अभी हटाऊंगी मैं इसको। और ये कुशन कवर मैंने आपसे पहले शेयर किया था ऐसे प्रीवियस वीडियो में, तो चाहे तो आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और दुपट्टे से बना है, काफी अच्छा लगता है। लेकिन देखिए ना, तो व्हाइट के साथ ये देखो व्हाइट है तो उतना उभर के नहीं आ रहा है इस पे, और इसीलिए जो ये मेरा कवर है इसको मैं ज्यादातर बिछाती हूँ किसी के आने पे या त्योहार वगैरह पे, इसी को मैंने सोचा है कि मैं बिछाऊंगी। तो इसके लिए ही मैंने ये प्रिंटेड टाइप के कुशन कवर मंगाए थे, और ये वाले प्लेन वाले जो मंगाए थे ये वाले, ये मैंने सोचा था जब मेरा ये कुशन, जब मेरा सोफा कवर जो प्रिंटेड रहेगा तब ये प्लेन, यानी जब आपका सोफा कवर प्लेन रहे तो आप कुशन उस पे प्रिंटेड टाइप के बिछाइए, तो वो ज्यादा खिल के आएंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट, जब आपका सोफा का कवर जो है उस काफी प्रिंटेड है या उस पे कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी है, तो आप उस पे कुशंस कवर जो होंगे वो प्लेन लगाएंगे तो वो ज्यादा खिल के आएंगे। तो बस यही मेरा कहने का मतलब था। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ प्लेन कुशंस कवर, प्लेन सोफे कवर पे जब मैं कुशन ये वाले रखती हूँ तो वो कैसा लगता है। तो ये वाले देखिए, ये नॉर्मल स्टूल था, मैंने इसको पेंट कर दिया और काफी अच्छा लग रहा है। अभी ये लकड़ी का लुक दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वुडन टेबल हो, और उसको मैंने पीछे कर दिया है, उसमें बेटे की कॉपी किताबें रखने लगी हूँ मैं। इसको इसी के लिए मैंने पेंट किया था, पहले ब्लू कलर था कुछ इस टाइप का, लेकिन अब मैंने इसको पेंट कर दिया तो ऐसा हो गया, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा साइड टेबल हो गया मेरे लिए। पास सिर्फ एक ही साइज का कुशन था वो जो कि मैं यहाँ रखती थी, और दीवान मेरा दूसरे रूम में था, तब एक ही बेड था तो दूसरे रूम में दीवान डाल रखा था हमने। फिर जब उसको गेस्ट रूम में दीवान को आए तो फिर मैंने और कुशन लिए, और जब और कुशन लिए तो कुशन कवर भी बनता ही है लेना। तो फिर मैंने अभी रिसेंट में ही ये 12x12 और 12x18 के दो कुशन कवर अभी मैंने लिए हैं, और बाकी और 16x16 के भी मैंने अभी लिए हैं, यानी ये तीन साइज के कुशन कवर मैंने अभी लिए हैं। और जो मेरे पहले बड़े वाले हैं, काफी सारे, बहुत सारे पहले वीडियो से ही आप देखते आ रहे होंगे, वो मेरे पास काफी पहले से ही हैं। तो इसके बाद जो ये चीज है ना, ये चीज है, ये देखिए यहाँ तक पूरा नहीं खुला है, तो थोड़ा सा जब इसमें इंसर्ट करते हैं इसको अच्छे से जाता नहीं है, बस यही इसका मुझे ड्रॉबैक लगा, बाकी तो इसमें मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं लगा। और बच्चों का आवाज इसलिए नहीं आ रहा है अभी आप लोगों को, क्योंकि ये हो रहा है रात का 12 o'clock से ऊपर, तो वो दोनों सो रहे हैं तभी रिकॉर्डिंग हो ही पाती है। इसलिए देखिए बढ़िया से बन गए ना दो क्वेश्चन। अब मैं इनको लगा के दिखाती हूँ 16x16 के। एक्चुअली मेरे पास 4 ही कुशन है, 5 नहीं है, 4 ही है, तो फिलहाल मैं इनमें से 4 आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए सारे मैंने कवर लगा दिए हैं सारे के सारे, देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ना, कलर बहुत अच्छे हैं इसके, मेरे बहुत ही अच्छे लगे इसके कलर। इसको मैंने ऐसे रख दिया, तो ये देखिए ये इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे,
और जैसे ही मेरा 12x18 वाले दोनों कवर कुशन कवर आएंगे तो उनको मैं बीच में ये यहाँ पर एक यहाँ पर रख दूंगी। तो देखिए प्लेन है और ये प्रिंटेड है तो एक दूसरे को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया रखने का, और दूसरा आप चाहे तो इन सबको ट्राइंगल में रख सकते हो। ये बहुत ही पहले हम लोग ऐसे ही रखा करते थे, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। चाहे तो आप ऐसे ट्राइंगल में करके रख सकते हैं। ये देखिए, और इनको इनको क्या करिए, इनको इधर साइड और इधर साइड ऐसे रख दीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि प्लेन है सोफे का कवर और ये प्रिंटेड हो गए हैं तो काफ़ी अच्छा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कलर थोड़ा सा और आप डार्क लेंगे तो और अच्छा लगेगा, जैसे कि वो हॉट पिंक है ना वो, और इधर येलो है, ये थोड़ा सा ज़्यादा खिल के आ रहे हैं। उसके बजाय जो ये वाइट पे वर्क है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा दब गए हैं, थोड़ा सा दबे हैं। वैसे प्रिंट उन पे भी है तो वो भी अच्छे लग रहे हैं। तो बाकी आप बताइएगा कि इस पे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं कि जो भी नेक्स्ट मैं आपसे सोफे का कवर शेयर करूँगी, और वो भी ज़ीरो बजट का। मैं मार्केट भी नहीं जा रही उसको खरीदने के लिए, आप चाहे तो उसको अपने यहाँ की घर में जो अवेलेबल चीज़ें हैं उससे ही बना लीजिए बिना सुई धागे के। तो ये हो गया पहला, अब आते हैं दूसरे सोफे कवर पे। तो ये है मेरा नॉर्मल सोफा, अगर मुझे कुछ भी नहीं डालना होता है, मेरे पास कुछ भी नहीं होता है तो मैं ऐसे ही रखती थी इसको। पहले मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती थी, बच्चे जब रहते हैं मतलब ऑल टाइम मैं वो वाला कवर जो रेगुलर कवर है वो डालती थी, और जब कोई बच्चे नहीं रहते थे कोई आता था अकेजनली तो फिर मैं इसको ऐसे ही रख लेती थी और इस पर कुशन सजा दिया करती थी, वो भी मुझे अच्छा लगता था। और ये भी मैंने सिलवाया है लोकल मार्केट से सिलवाया था कपड़ा लेके, इसका जो रियल कवर था वो थोड़ा सा गंदा हो गया था, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी गंदा हो गया था, और उसका कलर ऐसा था ना कि वो साफ भी नहीं दिखता था और गंदा भी नहीं दिखता था, वो अजीब ही सा था, तो इसलिए मैंने इसको बनवाया था और आके बना दिया था उसने। तो अब आते हैं, बात करते हैं कि आप बिना सुई धागे के इंस्टेंट आप अगर अपने सोफे का कवर बनाना चाहते हैं तो आपके घर में बेडशीट होगी, जैसे कि ये मेरे पास है, ये डबल बेड की बेडशीट है। आपका सोफा जिस हिसाब से हो आप उस हिसाब से लीजिएगा, मेरा 4 सीटर सोफा है, सोफा कम बेड है तो मैंने उसके लिए डबल बेड का लिया है, और आपका छोटा हो तो शायद सिंगल वाले में भी आ जाएगा, बट जितना बड़ा होगा बेडशीट उतना अच्छा है। तो ये मेरी किंग साइज की बेडशीट है, काफी बड़ी है और इसका प्रिंट भी मुझे बहुत पसंद है। ये सोलिमो की बेडशीट है, अगर आप लेना चाहते हो तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। और इसका रेट आई थिंक 700 के आसपास था और काफी अच्छा है। तो ये रही बात बेडशीट की, और इसको चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि ये सोफा कवर कैसे बनता है। तो इसका एक सिरा मैंने ऊपर रख दिया है और इसको पूरा अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए इंस्टेंट बन रहा है, मतलब 5 मिनट के अंदर मैंने इसको बनाया है, कोई बोलेगा एकदम नीटली बना है। और ये मेन बात है, इस जो बेडशीट का डिज़ाइन है उसकी वजह से आई थिंक ज़्यादा लग रहा है, इतना प्यारा है बन कर रहा है। थोड़ा सा ये पुरानी होगी ना तो मैं इसका भी सोफे का कवर बना डालूंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन अभी ये न्यू है तो मैं अभी इसको नहीं टच करूंगी, अभी ये सोफे के लिए नहीं, अभी सोफे के लिए प्लेन वाली है वो मेरी काम चलता है। तो अगर सोफे के लिए देखिए हम ये प्रिंटेड कुशन कवर रखेंगे ना तो उतना ये खिल के नहीं आएंगे, जैसे इसको मैंने यहाँ रखा, सोफे का कवर भी और कुशन कवर भी तो उतना अच्छे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं, हालांकि अच्छा ये भी लग रहा है कॉम्बिनेशन, लेकिन उतना अच्छा खिल के कुशन कवर नहीं आ रहे हैं। तो मेरा यही, मैं तो यही सोच के चल रही हूँ कि अगर मुझे प्रिंटेड बिछाना होगा तो मैं प्लेन कुशन कवर लगाऊंगी, और जब प्लेन कुश वो सोफे का कवर लगाऊंगी तो मैं कुशन कवर प्रिंटेड लगाऊंगी। प्लेन वाला है, कितना अच्छे से खिल के आएगा। अगर वो पीछे वाले मैं 16x16 वाले हटा दूंगी, 16x16 वाले, और सिर्फ इन तीनों को रखूंगी
तो भी ये अच्छे से खिल के आएंगे, क्योंकि ये जो दोनों का कलर है और वाइट कलर है वो मेरी बेडशीट में या सोफे के कवर में भी है, तो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर ये वाली बेडशीट का मैं सोफा कवर बनाती हूँ तो मैं कुशन कवर लूंगी इन्हीं कलरों से मैचिंग में प्लेन लूंगी। तो यही अंतर रहता है। अगर आप अपने लिए सोफा कवर या कुशन कवर खरीदने जा रहे हैं तो इस बात को थोड़ा सा नोटिस करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आप अपने घर को डेकोरेट कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, मैंने आपसे आज शेयर किया कि कुशन कवर किस हिसाब से आप लगाएं, कैसे लगाएं, और सोफे का कवर कैसा हो तो कुशन कवर कैसा लगाएं। इस टाइप से ही मैंने आपसे छोटे छोटे टिप्स मैंने आपसे शेयर किए, और ये ध्यान बार बार इस स्टूल पे जा रहा है। मुझे लग रहा है कि मैचिंग करने के लिए मुझे इसका जो ऊपर का वाइट है ना उसको ब्लैक करना चाहिए था, तो अच्छे से मैच करता, सोफे से मैच करता। चलो टाइम मिलता है तो मैं उसको ब्लैक ही कर दूंगी, क्योंकि उसके ऊपर जो मैंने डिफ्यूजर रखा हुआ है ना, तो ये अच्छे से तभी कॉम्प्लीमेंट करेगा जब वो ब्लैक के ऊपर होगा। अभी व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा मिक्स हो जा रहा है, तो अभी तो फिलहाल उसको छोड़ते हैं, अभी बात इसकी करती हूँ। तो ये था आज का वीडियो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, इन सभी चीज़ों के जितने भी सोफे कवर हैं जो मैं रिटर्न करने जा रही हूँ वो भी, और जो ये मैंने लगा रखे हैं वो भी, इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। मैं भूल जाती हूँ, मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपने इसका लिंक नहीं दिया है, तो सॉरी मैं भूल जाती हूँ। मुझे उस समय जब वीडियो अपलोड करना होता है ना तो इतना जल्दी रहता है कि जल्दी से अपलोड करो, बनाने में तो टाइम दे रहती हूँ, अपलोड जब करना होता है तो मेरे में पेशेंस नहीं रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा भूल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। जब आप मैसेज करते हो तो मैं जरूर वहाँ पर करेक्शन कर देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।